नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं या आपको किसी चीज में फोकस करना होता है तो आपकी बॉडी शुगर की डिमांड करने लगती है या क्रेविंग करने लगती है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और फिर उस वक्त हम बिना कुछ सोचे समझे कितना भी मीठा, कौन सा भी मीठा, कितनी भी क्वांटिटी में खा लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचाता है। मेरी नजरिए से मीठा खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको मीठे का हेल्दी सब्स्टिट्यूट खाना है और क्वांटिटी पे भी कंट्रोल रखना है, जिससे कि आपके शरीर के लिए वह हेल्दी हो। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं कि हमारी किन गलतियों के कारण हमारे शरीर को शुगर की क्रेविंग ज्यादा होने लगती है और ऐसे कौन से हेल्दी सब्स्टिट्यूट हम शुगर के खाएं जिससे हमारे शरीर को कम नुकसान हो, और नंबर 3, शुगर के हमारे शरीर को कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में हम ऐसा क्या गड़बड़ कर देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को शुगर की क्रेविंग हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। इसके 4 मेन जो रीजन है वो देखे गए हैं। उसमें नंबर 1 पे ये है कि कई लोग बहुत ही ज्यादा कड़ी डाइटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और उनको शुगर की क्रेविंग बढ़ जाती है। नंबर 2, कई लोगों का जो स्लीप का साइकिल होता है वो रेगुलर नहीं होता, टाइम पे नहीं होता, इसलिए वो देर से सोते हैं और रात में उनको जंक फूड खाने की या स्वीट खाने की डिजायर होती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि हार्मोन इम्बेलेंस होंगे, इसलिए उनको शुगर की डिजायर शुरू हो जाती है। नंबर 3, ये देखा गया है कि शुगर जो होता है वो एक एडिक्टिव है, मतलब शुगर यदि आप खाते हैं तो आपको उसका एडिक्शन बढ़ता जाता है और जो दूसरे नशे होते हैं उनकी तरह ही शुगर भी हमारे शरीर में काम करता है, जितनी खाएंगे उतना ही आपको एडिक्शन बढ़ता जाएगा। और इसमें नंबर 4 रीजन ये देखा गया है कि यदि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनता है, जिससे कि इंसुलिन हार्मोन ज्यादा बनता है, जिससे कि पेशेंट को शुगर की डिमांड उसके शरीर में बढ़ जाती है। अब हम यह समझते हैं कि रिफाइंड वाइट शुगर या चीनी हमारे शरीर के लिए इतनी नुकसानदायक क्यों होती है। एक्चुअली होता क्या है कि चीनी बनती तो गन्ने के रस से ही है, लेकिन इसकी बनने की प्रोसेस में इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट खत्म हो जाते हैं और केमिकल प्रोसेसिंग के दौरान इसमें SO2 और फॉस्फोरिक एसिड ऐड किए जाते हैं, जिससे कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि हमारा शरीर, ये एक रैंकिंग है, हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को कितनी स्पीड से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। शुगर एसिडिक इन नेचर होती है, जिससे कि वह हमारे शरीर में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी स्किन में जल्दियां झुर्रियां पड़ जाती हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। एक चीज और होती है कि शुगर जो है एक मेंटल एडिक्शन है। जैसे जैसे आप शुगर खाते जाते हो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, उसकी क्रेविंग बढ़ती जाती है और ये 50 से ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर में प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ओबेसिटी है, डायबिटीज है, फैटी लिवर है, हार्ट डिजीज है और किडनी डिजीजेस है। अब हम बात करेंगे कि हम शुगर के ऐसे कौन से सब्स्टिट्यूट यूज करें जिससे कि हमारे शरीर को शक्कर के बराबर नुकसान ना हो। इसमें नंबर 1 पे है कि उसको हम खांडसरी बोल सकते हैं, खांड बोल सकते हैं या उसको देशी खांड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये एक सुपीरियर सब्स्टिट्यूट है शुगर का और ये होती तो अनरिफाइंड केन शुगर ही है, लेकिन इसको केमिकली प्रोसेस नहीं किया जाता, फिजिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी होती है और इसके नेचुरल जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी उसमें रहते हैं, जैसे इसमें आयरन होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर में हेल्दी बनाते हैं हमारे शरीर को। उसका कलर देखा जाए तो डार्क ब्राउन कलर इसका मिलता है और ये क्रिस्टल जैसी होती है। इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें हाई कैल्शियम कंटेंट होता है, इसलिए ये हमारी बोन्स को और टीथ को स्ट्रांग बनाती है, ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है और नंबर 3, ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है।
इसमें नंबर टू पर आता है गुड़, यह भी शुगर केन जूस से बनता है, लेकिन ये भी अनडिफाइंड फॉर्म ही होता है इसका, और इसको केमिकली ट्रीटेड नहीं किया जाता, और ये डार्क कलर का होता है और ये खांड सली जैसा क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है। यदि मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसका कैरेक्टर अल्कलाइन होता है इसलिए ये शरीर के लिए हेल्दी है, ये रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है इसलिए एनीमिया में ये बहुत हेल्प करता है, इससे एनर्जी भी बहुत मिलती है और ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करने में हेल्प करता है। इसमें नंबर तीन पे आता है मिश्री, जिसे रॉक शुगर भी कहते हैं। दोस्तों यह भी अनडिफाइंड फॉर्म ही होता है शुगर केन जूस का, और आपको इसमें एक बात बस ध्यान रखनी है, आपको कटिंग वाली मिश्री नहीं लेनी है, आपको मार्केट से धागे वाली मिश्री खरीदनी है। इसके बेनिफिट्स की यदि मैं बात करूं तो ये एनर्जी का अच्छा सोर्स है, और दूसरा इसकी जो प्रोसेसिंग में केमिकल यूज नहीं होता इसलिए हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और इसका टेस्ट भी बहुत कुछ हमारे टेबल शुगर जैसा होता है इसलिए आपको ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आए। अब हम बात करेंगे नंबर चार कोकोनट शुगर के बारे में। ये प्लांट बेस्ड शुगर होती है और ये शुगर का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो शुगर से कम होता है, लेकिन दोस्तों इसकी कैलोरी भी लगभग सेम मात्रा ही की ही होती है इसलिए आपको इसकी क्वांटिटी लिमिटेड मात्रा में ही लेनी है। यदि मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें हेल्दी फैट होते हैं जो हमारे शरीर के हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज को कम करते हैं। इसमें इन्यूलिन नाम का एक डायट्री फाइबर होता है जो हमारे गट की हेल्थ को मेंटेन रखता है और हमारे ब्लड के शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे डेड शुगर के बारे में। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 32 होता है इसलिए ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है शुगर का दोस्तों, और इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करता है, एनीमिया को रिवर्स कर देता है, हार्ट के हेल्थ को प्रमोट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ा देता है और हमारी बोन को भी मजबूती देता है। यहाँ पर मैं एक और हेल्दी सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करूंगी, वो है रॉ हनी। रॉ हनी जो होता है वो उसका जीआई मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर से कम होता है इसलिए वो बहुत हेल्दी होता है, और दूसरा इसके सारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं वो बने हुए रहते हैं क्योंकि ये केमिकली प्रोसेस नहीं होता है इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है, ये एंटी डिप्रेसेंट होता है, एंटी एग्जाइटी बेनिफिट भी इसके होते हैं, और ये वुंड हीलिंग को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है दोस्तों। पर एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि ये शुगर से ज्यादा मीठा होता है और इसमें कैलोरीज जो होती है शुगर से ज्यादा होती है इसलिए इसको भी ज्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लेना है। दोस्तों जो मैंने आपको शुगर के सब्स्टिट्यूट बताए हैं, जो हेल्दी सब्स्टिट्यूट बताए हैं, उनको आपको लिमिटेड मात्रा में ही लेना है क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आगे पीछे हो सकता है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनमें कैलोरी शुगर के बराबर ही होती है। यहाँ पर मैं एक बोनस पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी कि यदि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कोई हेल्दी चेंजेस लाने हैं या कोई खाने में हेल्दी सब्स्टिट्यूट यूज करना है तो उसको अपने किचन की ओपन शेल्फ में या फ्रंट शेल्फ में रखिए या डाइनिंग टेबल पर रखिए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको वो चीजें बार बार रिपीटेडली दिखेंगी तो यूज करने में आएंगी। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो चीज सामने दिखती है वो ज्यादा यूज करने में आ जाती है। दोस्तों ऐसे ही टिप्स करके मैंने बहुत सारी हेल्दी चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड की हैं, तो आप भी करके देखिए। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप शुगर के हेल्दी सब्स्टिट्यूट को समझ सके हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो माय चैनल। थैंक यू।